और रुख पहली खबर का करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीकापुर के ग्राम दशरथपुर में प्रतिज्ञा जनसभा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अयोध्या की गौशालाओं को मुद्दा बनाकर बीजेपी को उसके गढ़ में न केवल घेरा बल्कि छत्तीसगढ़ में अनाज और गेहूं खरीद की अपनी नीतियों को भी बताया। तो देखिए, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीकापुर के ग्राम दशरथपुर के यहां पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी को एक बार फिर से निशाने पर लिया, बीजेपी सरकार पर एक बार फिर से तंज कसा, निशाना साधा और कई चीजों को लेकर इस दौरान उन्होंने अपने जब वो पहुंचे थे कार्यक्रम में तो उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की जो नीतियां रही हैं और जो तमाम चीज़ें जो की जा रही हैं हमेशा जनता को ठगा है। इस तरह से उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की। तो देखिए, बेहद ही अहम दौरा था ये भूपेश बघेल का। इस दौरान कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका स्वागत भी किया गया। तो जब वो वहाँ पहुँचे थे तो भव्य स्वागत उनका हुआ और जब वो कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे तो एक बार फिर से सरकार को एक बार फिर से आड़े हाथों लिया, सरकार के ऊपर निशाना साधा गया। तो देखिए, महत्वपूर्ण दौरा 2022 के चुनावों को देखते हुए उसको माना जा रहा है क्योंकि लगातार दौरे पार्टियों के बड़े चेहरों के लगातार उनकी तरफ से किए जा रहे हैं और तमाम जो विपक्षी पार्टियां उनके ऊपर लगातार निशाना साधा जा रहा है। और इसी कड़ी में जब भूपेश बघेल पहुंचे थे यहां पर तो यहां पर एक बार फिर से सरकार को आड़े हाथों लिया गया। फिलहाल बढ़ते आगे, रुख अगली अहम जानकारी का करेंगे। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों में हुए चुनाव की मतगणना हुई और करीब 2000 कर्मचारियों ने 600 मेजों पर वोटों की गिनती की और इसी गिनती से 1393 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला भी हो गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके लिए 29 मतगणना केंद्र बनाए गए थे। सभी जिलों को मतगणना स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन, निर्बाध बिजली आपूर्ति की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं और इस चुनाव के कुल 4,88,425 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, जिसमें से 2,48,041 पुरुष तो वहीं 2,40,369 महिला और 15 तृतीय लिंग समुदाय के लोग शामिल थे। निकाय चुनाव में कांग्रेस का दबदबा दिखाई दे रहा है। सुबह 9 बजे से सभी नगरीय निकायों में काउंटिंग शुरू होकर अब खत्म हो चुकी है। प्रदेश के 15 नगरीय निकायों के 370 वार्डों के लिए 20 दिसंबर को मतदान हुआ था। सभी नगरीय निकायों के मिलाकर प्रदेश में कुल 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। लगभग सभी जगहों के परिणाम सामने आ गए हैं। तो देखिए, तो मनमोहन नेताम ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनमोहन, जानकारी चाहेंगे, मतगणना यहां पर की गई और परिणामों में जिस तरह से रिजल्ट सामने निकल कर आया, क्या जानकारी इसको लेकर, क्योंकि सुबह से ही काउंटिंग जारी थी, जानकारी किस तरह का माहौल वहां पर देखा गया? बिल्कुल स्वाति, छत्तीसगढ़ में जो नगरीय निकाय का चुनाव संपन्न हुआ और चुनाव संपन्न होने के बाद आज जो परिणाम सामने आ रहा है, यह जो परिणाम है यह कांग्रेस के पक्ष में है और जाहिर सी बात है कि प्रदेश में जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी है उसमें काफ़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है और जो प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं उनका एक ही कहना है कि प्रदेश में जिस तरीके से 3 साल में भूपेश बघेल के कार्यकाल में जिस तरीके से जो जन कल्याणकारी योजना है वो ग्रामीण स्तर तक पहुंची है और लगातार जो बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, चाहे वो किसान के पक्ष में हो, चाहे मजदूर के पक्ष में हो, चाहे जो छत्तीसगढ़ के जो लोगों के पक्ष में हो, तो ये इसका परिणाम है कि इस नगरीय निकाय के चुनाव में जो जनता है, जो जनता जनार्दन है, वो अपना जो वोट है वो कांग्रेस पक्ष, कांग्रेस को दी है और जाहिर सी बात है कि प्रदेश में जो 15 नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस लगातार बढ़त बनाई है। अब शाम तक तो परिणाम स्पष्ट हो जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से अभी जो परिणाम सामने आ रहे हैं, जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा जिले का जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं सबसे अच्छी खुशी की खबर है कांग्रेस पार्टी के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ भी नगरीय निकाय के जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में बेहतर है। जी बिल्कुल, साथ ही साथ मनमोहन ये जानकारी भी, क्योंकि देखिए कांग्रेस तो खुशी मना ही रही है, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए स्वाति, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये जो 3 साल का कार्यकाल है ये कहीं ना कहीं कोरोना संकट के बीच भी गुजरा है और इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार प्रदेशवासियों के हित में लगातार बड़े बड़े फैसले लिए और किसानों को जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है स्वाति
कि जहां पर गोबर खरीदी तक होती है, तो ये जो तमाम तरह की जो योजना है कांग्रेस पार्टी का, ये कहीं ना कहीं जनता को अपनी ओर आकर्षित की है। इसका ही परिणाम है कि आज जो नगरीय निकाय के जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं जो सामने देखा जा रहा है, इस पूरे मसले को लेकर जो बीजेपी है उसका कहना है कि सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपनी ताकत का गलत फायदा उठाई है। लेकिन इस पूरे बात कहूँ, इस पूरा बात कहूँ स्वाति, कि प्रदेश में लगातार 3 साल से जो विकास के काम हुए हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरीके से नरवा गरवा घुरवा बाड़ी एवं तमाम तरह के जो किसानों की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, एवं कोरोना संकट में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ उभरा है, तो इसे लेकर छत्तीसगढ़ के जो जनता है, जनता का जो मूड है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ है। बिल्कुल, चलिए ठीक है मनमोहन, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बढ़ते आगे रुख अगली अहम जानकारी का करेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में निकाय चुनाव में भोपालपाटनम में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पूरे 15 वार्डों में कांग्रेसी प्रत्याशी जीत गए हैं। इधर भैरमगढ़ की अगर बात करें तो भैरमगढ़ में भी 10 वार्डों में कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है, तो वहीं 5 वार्डों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। सुकमा जिले के कोटा नगर निकाय में 15 में से 14 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया, जबकि 1 पर भाजपा की जीत रही। इसी के साथ ही नरहरपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर 11 वार्डों में कांग्रेस ने जीत हासिल की, तो वहीं अन्य 4 वार्डों में भाजपा ने अपना कब्जा जमाया। बेमेतरा की अगर बात की जाए तो बेमेतरा की मारो नगर पंचायत के 15 में से 9 वार्डों में कांग्रेस को जीत मिली, तो वहीं 5 में बीजेपी और अगर 1 वार्ड की बात करें तो 1 में निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली है। तो देखिए तमाम वार्डों की अगर बात करें तो कांग्रेस नंबर 1 पर है, उसके बाद बीजेपी और उसके बाद बाकी जो प्रत्याशी रहे। तो देखिए भैरमगढ़ में अगर हम वार्ड की बात करें तो पहले पे ये ग्राफिक्स के जरिए जानकारी भी दिखाई जा रही है आपको कि इन जो वार्ड हैं उनमें किस किस को जीत हासिल हुई है, तो उनके नामों की जानकारी भी आप तक दी गई है। देखिए अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, और देखिए अगर हम नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस की तरफ से अच्छा प्रदर्शन किया गया है। हमारे संवाददाता मनमोहन लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए, मनमोहन का रुख करेंगे। मनमोहन जानकारी चाहेंगे, तमाम जगहों की अगर हम देखें लिस्ट एक के बाद एक जो नाम है तमाम जगहों पर कांग्रेस की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है। मनमोहन, जो छत्तीसगढ़ का सबसे दूरस्थ क्षेत्र है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है सुकमा जिला, सुकमा जिला में जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन देखा गया है, और कांग्रेस एक अच्छी प्रदर्शन वहां की है, क्योंकि वहां का जो जो बीजेपी का कांग्रेस का जो विधायक है, जो कैबिनेट मंत्री में जिनको दर्जा दिया गया है, कवासी लखमा, कहीं ना कहीं उनकी वहां पर पकड़ है और उनका जनाधार है, जिसका बदौलत सुकमा जिले में जो नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिली है। और एक बात बता दूं स्वाति, कि बस्तर क्षेत्र में जो जब भी चुनाव होते हैं तो जो मतदाताओं का जो रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में रहता है, और जाहिर सी बात है कि 15 साल सरकार में, बीजेपी सरकार में रहने के बाद भी बस्तर से क्षेत्र को साध नहीं पाई, तो अब तो कांग्रेस की प्रदेश में सरकार है। और इस पूरे नगरीय निकाय के चुनाव में कवासी लखमा को सबसे अहम जिम्मेदारी दी गई थी कि सुकमा जिले में जो नगरीय निकाय का चुनाव हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त मिले, और इसका परिणाम भी देखने को मिला है। और जो सुकमा जिले में नगरीय निकाय में कांग्रेस एक अच्छा प्रदर्शन करके सामने आई है। दूसरी बात बता दूं कि ये जो रायपुर, राजधानी रायपुर से सटा हुआ बिरगांव में जो चुनाव हुए हैं, बिरगांव में लगातार राजनीति देखी गई, और वहां पर बीजेपी के जो विधायक हैं अजय चंद्राकर और जो कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, वो वहां पर पहुंचे थे, और उन्होंने आरोप लगाया था कि यहां पर सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाली है, इसलिए उन्होंने वहां पर पहरा तक दिया था। लेकिन आज जो जनता जनार्दन का जो परिणाम है वो सामने देखा गया है, और बिरगांव में दमखम के साथ कांग्रेस भी यहां पर जीत हासिल की है। एक बात बता दूं कि पूरे छत्तीसगढ़ के प्रदेश भर की बात करें तो हम चाहे बस्तर की बात करें, चाहे सरगुजा की बात करें, या मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें, तो ये जो नगरीय निकाय का चुनाव है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन सामने को देखने को मिला है। और इसका एक ही बात है कि प्रदेश में लगातार जो 3 साल में जो भूपेश सरकार जिस तरीके से जन कल्याणकारी योजना लाई है उसमें उसे प्रभावित होकर कहीं ना कहीं जनता कांग्रेस के पक्ष में वोट कर रहे हैं। ठीक है मनमोहन, मनमोहन बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड
press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.